नमस्कार दोस्तों, देश के खतरनाक और सर्पीली सड़कों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें और उनके चालक परिचालकों की निपुणता से तो आप खासा वाकिफ होंगे। खासकर बात की जाए उत्तर भारत की तो निगम की बसें एक अलग पहचान रखती हैं। यही कारण है कि देश के दूसरे सबसे लंबे रूट दिल्ली लेह का गौरव भी निगम को ही प्राप्त है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे दूसरा सबसे लंबा रूट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर आपने सुना होगा कि दिल्ली लेह रूट देश का सबसे लंबा रूट है, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं रहा। हमीरपुर डिपो के सिर पर यह ताज सज गया है। दरअसल हमीरपुर की अवहा देवी से अयोध्या जाने वाली बस का रूट अब देश का सबसे लंबा रूट बन गया है। करीब 16 साल तक हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की दिल्ली लेह सेवा को भारत में सबसे लंबे रूट का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब ये खिताब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिपो को मिल गया है। 6 मार्च 2024 में अवहा देवी हमीरपुर से अयोध्या बस सेवा शुरू की गई थी, जिसकी एक तरफ की दूरी 1205 किलोमीटर है। इस सफर को 24 घंटों में पूरा किया जाता है, जिसमें दो चालक बदले जाते हैं। अवहा देवी अयोध्या जाने के लिए प्रति व्यक्ति 1577 रुपए किराया चुकाना पड़ता है। वहीं दिल्ली लेह की दूरी 981 किलोमीटर है, जो अवहा देवी अयोध्या रूट से 224 किलोमीटर कम है। पहले ये दूरी 1072 किलोमीटर थी, लेकिन अटल टनल बनने से यह फासला 981 किलोमीटर रह गया है, यानी दिल्ली से लेह की दूरी 91 किलोमीटर घट गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली लेह रूट पर खूबसूरत वादियों का आनंद लेने का एक अलग ही मजा है, और ये रूट अवहा देवी अयोध्या की तुलना में अधिक खतरनाक है। इसलिए सफर में करीब 33 घंटे लग जाते हैं और एक तरफ यात्रा का किराया 1657 रुपए है। इस पूरे सफर में 3 चालक और 2 परिचालक बदलते हैं। दूरी की दृष्टि से अब हमीरपुर डिपो का अवहा देवी अयोध्या रूट देश का सबसे लंबा रूट बन गया है। MBM न्यूज नेटवर्क से बातचीत में केलांग के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली लेह बस सेवा फिर से शुरू हो गई है, और इस बार समय सारणी में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले दिन बस में 30 यात्रियों ने सफर किया। 6 मार्च 2024 को अयोध्या बस सेवा शुरू हुई थी, और तब से यह बस लगातार देवभूमि वासियों को रामनगरी अयोध्या ले जा रही है। अवहा देवी से यह बस सुबह 6:10 पर रवाना होती है, 10:30 हमीरपुर पहुंचती है, दोपहर 2:05 पर चंडीगढ़ और शाम 7:00 दिल्ली पहुंचती है। यहां बस का ड्राइवर बदल जाता है। दूसरे चरण में ये बस दिल्ली से अयोध्या रवाना होती है। अगले दिन सुबह 10:30 राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंच जाती है। बस की समय सारणी, दूरी और किराए की पुष्टि हमीरपुर डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक राजकुमार पाठक ने की है। उधर HRTC प्रबंधन के अनुसार भविष्य में दिल्ली से अयोध्या तक बसें एक्सप्रेसवे से होकर चलेंगी। दिल्ली से निगम की बसें यमुना और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होकर अयोध्या पहुंचेंगी। भविष्य में यदि अवहा देवी अयोध्या सेवा को शॉर्ट रूट में बदला जाता है, तो देश के सबसे लंबे रूट में दिल्ली लेह और अवहा देवी अयोध्या के बीच दूरी को लेकर कड़ी टक्कर होगी।